दिल्ली की जनता ने अपना फैसला दे दिया है और ये फैसला है लगे रहो केजरीवाल, यानी अरविंद केजरीवाल फिर एक बार दिल्ली की कमान संभालेंगे। पार्टी ने दिल्ली में 55 से ज्यादा सीटों पर अपना झंडा गाड़ा है। वहीं पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी बीजेपी दोपहर 2 बजे तक 10 सीटें भी अपने नाम नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी के लिए पटपड़गंज सीट पर थोड़ी मुश्किल नजर आई, जहां से डिप्टी सीएम और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया संघर्ष करते नजर आए। हालांकि बाद में उन्होंने यहां से जीत दर्ज की। इन दोनों दलों के अलावा इस चुनाव में एक पार्टी और भी थी जिस पर सबकी नजर थी। आम चुनाव में आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट पाने वाली कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखा और इस पार्टी का खाता नहीं खुला। 5 साल पहले भी दिल्ली में कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी और इस बार भी पार्टी शून्य पर रही।